नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। शेखर और मेधा के साथ प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले खास खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सीकर दौरा। श्री हरिनाथ जी चतुर्वेदी और संत शिरोमणि श्री मकड़ीनाथ जी महाराज की मूर्ति का किया अनावरण। मुख्यमंत्री ने दी रक्षाबंधन पर शुभकामनाएं, कहा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, भ्रूण हत्या को रोकने और महिलाओं के प्रति सम्मान रखने का ले संकल्प। और प्रदेश में कंज्यूमर केयर अभियान जारी, 3 घंटे में हो रहा शिकायतों का निराकरण। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीकर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, आह्लादित हूँ, भाव विभोर हूँ, अत्यंत अभिभूत हूँ। आज संतों की पावन तपोभूमि सीकर आगमन पर सीकर हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक के मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर मेरे स्वागत के लिए देवतुल्य जनता ने जिस प्रकार अपार प्रेम और आशीर्वाद की अविरल वर्षा की है, उसे शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आप सभी सम्मानित नागरिकों द्वारा प्रदत्त आत्मीय स्नेहाशीष के लिए हृदय के अंतस्थल से एक जन जन का आभार प्रकट करता हूं। आपका ये अपार स्नेह और अटूट विश्वास मेरे लिए अमूल्य है और मुझे अपने कर्तव्यों के प्रति और भी अधिक समर्पित होने की प्रेरणा देता है। सीकर जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने हरिनाथ जी चतुर्वेदी और संत शिरोमणि श्री मकड़ीनाथ जी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में जन समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हरिनाथ जी केवल हरिनाथ जी नहीं है, जैसा मैंने कहा ये सभी गुरुओं का सम्मान है और ये गुरु परंपरा हमें आगे बढ़ानी है, क्योंकि इससे हमें ज्ञान मिलता है, मार्ग मिलता है, हमारे जीवन की दिशा मिलती है और जीवन की दिशा के लिए एक अच्छे संस्कारवान गुरु का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति के कई उतार चढ़ाव आते हैं, व्यक्ति के अंदर मन की भावनाएं भी बढ़ जाती है, लेकिन उनको ठीक दिशा देने का काम एक सच्चा गुरु कराता है। इसलिए आप सभी के जीवन में एक सच्चा गुरु होना बहुत आवश्यक है। मैं इस आपकी गुरु भक्ति जो आपने की है, निश्चित रूप से ये विद्यार्थियों के मन में भी एक अच्छे भाव पैदा करने का काम आपने किया है, एक भावी पीढ़ी को एक अच्छा काम करने के करके आपने उनको दिशा देने का काम किया है, ये बहुत अच्छा काम आपने किया है। आज सीकर शिक्षा का केंद्र बन गया है। अभी कह रहे थे कि कोटा के अंदर तो कोचिंग चलते हैं, लेकिन यहाँ बालक और बालिकाओं की नींव मजबूत की जाती है। यहाँ स्कूली शिक्षा का बहुत बड़ा काम है। राजस्थान में अगर हम कहें तो सबसे बड़ा काम स्कूली शिक्षा का है, कोचिंग संस्थाओं का है तो सीकर के अंदर है। निरंतर हमारे विद्यार्थियों को इसकी दिशा मिले, हमारे विद्यार्थी ये शिक्षा लेकर के, आपको पता नहीं होगा लेकिन वो देश नहीं दुनिया में सीकर का नाम रोशन करेगा, राजस्थान का नाम रोशन करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कई नई योजनाएं नीतियां लागू की है ताकि हम प्रदेश का हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। और यही नहीं, हमने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी काम किया है और हमने कहा है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हमारे राजस्थान के बच्चे हमेशा आगे रहते हैं, इसके लिए भी हमारी सरकार ने काम किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। श्री शर्मा ने कहा कि भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का ये पर्व न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की प्रगाढ़ता को बताता है, बल्कि ये पर्व महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को भी मजबूत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की कि हम सब मिलकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, भ्रूण हत्या को रोकने, महिलाओं के प्रति सम्मान रखने और हमारे महान सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लें। इधर राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने भी रक्षाबंधन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व भाई बहन के प्यार, स्नेह, कर्तव्य और दायित्व बोध का प्रतीक है। बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज जयपुर में देहदान करने वाले परिवारों के सम्मान में JSG सेंट्रल संस्थान और दादीजी देहदान
समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि देहदान ऐसा महान संकल्प है जो मानवता की सेवा में अपने अस्तित्व को समर्पित करने का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये न केवल व्यक्तिगत त्याग का प्रतीक है अपितु समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी विनम्र आग्रह किया कि वे इस नेक कार्य के महत्व को समझें और देहदान के लिए स्वयं को प्रेरित करें। यह न केवल आपके जीवन को सार्थक बनाएगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करेगा। 25 वर्षों में संस्थान ने निस्वार्थ सेवा की एक मिसाल बनाई है और जैन समाज की जो चिरपरिचित सेवा भाव कार्यशैली है उसको मैंने जमीनी हकीकत होते हुए देखा है। इस वर्ष आपके संगठन के सिल्वर जुबली का उत्सव मनाया जा रहा है, आपको बधाई देते हुए मैं आह्वान करता हूँ, प्लीज मेक ऑर्गन डोनेशन योर पैशन योर मिशन, ट्रांसलेट इट इनटू जियोमेट्रिक ग्रोथ। और यदि अगर आप संकल्प लेंगे कि हर जैन परिवार कम से कम एक परिवार को प्रेरित करेगा तो भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में एंड नेवर फॉरगेट वी आर होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी बहुत बड़ा जन कल्याण का काम कर पाएंगे। अपार संभावनाएं हैं, अपार चुनौतियां हैं और जब हल निकलेगा एक ऐसी अनुभूति प्राप्त होगी जो महसूस की जा सकती है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इससे पहले जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट कर उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक UR साहू, जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इसी क्रम में त्योहारी सीजन में मिठाई के साथ डिब्बे तौलने, माप तौल में गड़बड़ी को रोकने के लिए खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर राज्य में कंज्यूमर केयर अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान उपभोक्ता मामले विभाग और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चलाया जा रहा है। खाद्य और उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने बताया कि यह अभियान 17 अगस्त से 27 अगस्त तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। इस अभियान में शिकायत का निराकरण यथासंभव 3 घंटे में किया जाएगा और शिकायतों की जांच और प्रवर्तन कार्रवाई के कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और केयर पर फोकस रहेगा। इसी क्रम में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800180306 भी सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करेगी। जिले में अभियान DSO और लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर मिलकर चलाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कोलकाता रेजिडेंट प्रकरण के कारण चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार के दृष्टिगत स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के लिए आज अचानक जयपुर के SMS अस्पताल और सेठी कॉलोनी स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में जा पहुंचे। उन्होंने आपातकालीन सेवाओं IPD और OPD में निरीक्षण किया और चिकित्सा सेवाओं की स्थिति देखी, साथ ही चिकित्सा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। श्री खींवसर सवाई मानसिंह अस्पताल में पहुंचे और सबसे पहले आपातकालीन इकाई में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। यहां उन्होंने रोगियों से बात की और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाले रोगियों को तत्काल उपचार उपलब्ध करवाया जाए, किसी भी मरीज को जांच और उपचार लेने में तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति के तत्वाधान में जोधपुर में डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज संभागार में मुख्य समारोह और पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। इससे पहले मसूरिया पहाड़ी स्थित वीर दुर्गादास राठौड़ स्मारक स्थल पर पूजा अर्चना और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि संसदीय कार्य विधि और विधिक एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने की। श्री पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि वीर दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्ति और मातृभक्ति को संरक्षित करने का इतिहास में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उनकी त्याग तपस्या और स्वामी भक्ति आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अनगिनत दुख और कष्ट सहकर विषम परिस्थितियों में स्वामी भक्ति का परिचय दिया। श्री पटेल ने कहा कि वीर दुर्गादास स्मृति समिति पूर्व नरेश गज सिंह के संरक्षण में वर्षों से बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने इस अवसर पर सम्मानित हुई प्रतिभाओं को बधाई दी। आपको बता दें कि मुख्य समारोह में 20 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान जनसुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और अपनी अपनी परिवेदनाएं पटेल को सौंपी। संसदीय कार्य मंत्री ने जनसुनवाई में आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।